उसमें क्या नया है? मुख्यमंत्री जी से पूछिए तो, नया है क्या? ना इंडस्ट्री है, ना कारखाना है, ना रोजगार की बात है, कैसे देंगे भाई रोजगार? घोषणा करने से केवल घोषणा है। शिक्षा की स्थिति, शिक्षा की स्थिति जान रहे हैं? शिक्षक ना, शिक्षकों की बात ना, जीविका दीदियों की बात, सरकारी कर्मचारियों की भी जो है अब जो है उन पे सवाल किए जा रहे हैं कि 50 साल के बाद जो है उनको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा, और क्या बहाना दिया जा रहा है उनके रिटायरमेंट का, उनके काबिलियत पे शक किया जा रहा है। 50 साल होने के बाद अगर सरकारी कर्मचारियों पे काबिलियत पे आप शक करते हैं, तब तो हम नेताओं पर भी शक करो, उन बड़े ब्यूरोक्रेट्स पे भी शक करो जो 50 साल के ऊपर हो गए। कार्य क्षमता को लेकर के अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो सभी लोगों पर होना चाहिए, सरकारी नुमाइंदे जितने हैं उन पे होना चाहिए। एक तो मौलिक चीज आप समझिए कि जो योजनाएं अरे बिराज नीचे आ रहा है और नीचे कीजिए पिछली बार हमने शुरू किया था उसमें जो चीज़ें जैसे कुछ जगहों पर सड़कों का निर्माण या हर घर नल का जल उसका कुछ जगह पर काम जो रुका हुआ बचा है उन सब चीज़ों के बारे में सारा प्रबंध कर दिया गया है। और ये इस बात का कोशिश होगी कि एक साल के अंदर जितनी भी चीज़ें पेंट है पहले से चल रही है उस काम को पूरा कर दिया जाए। और इसके अलावा जो जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जो काम हो रहा है उसको आगे निरंतर रूप से बढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने इस बात को पूरे तौर पर चर्चा कर ली है कि जो नया जो आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय 2 की परिकल्पना की गई है उसके बारे में जो कुछ भी कैबिनेट ने पास किया और जब कैबिनेट ने पास विभागों ने इसके लिए जो जरूरी योजनाएं हैं उस पर काम किया और बनाया है। और इस साल के बजट में प्रावधान किया गया है इस पर सारा काम हम लोगों का शुरू हो जाएगा नए वित्तीय वर्ष में। कहा हो गया भाई पीछे से 21-22 में और पूरे तौर पर उन सब चीज़ों के लिए जो कुछ भी है तो पहले किस्त की आगे किस्त की। और आप जानते हैं एग्रीकल्चर के लिए जो ध्यान दिया जाता है उसके बारे में, सड़कों के बारे में, और सबसे बड़ी बात है कि आप देख लीजिए कि हेल्थ और एजुकेशन दोनों पर और ज़्यादा पैसा खर्च करने के बारे में निर्णय लिया गया है। तो सब लोगों को जो सुविधा मिली है वो सब चीज़ के लिए प्रावधान है। ऐसी परिस्थिति में भी जबकि आप जानते हैं कि इस बार जो पिछले 11-12 महीने से जो कोरोना का दौर चला है तो उसका तो एक प्रभाव पड़ा ही है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद हम लोगों का मन है कि हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे और कोरोना के दौर में भी जो लोगों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र का सहयोग तो मिला ही है, लेकिन राज्य सरकार ने भी जितने बड़े पैमाने पर राशि का व्यय किया है 10,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा इस काम ये सब काम तो किए ही हम लोग, लेकिन इसके आगे और अच्छे ढंग से बिहार की प्रगति हो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और बजट में एक एक चीज़ का प्रावधान किया गया है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो पूरे तौर पर आपको बता दिया है और हाउस में भी बताया है संक्षेप में एक एक चीज़ के बारे में उन्होंने चर्चा कर दी है। और इसके अलावा आप लोगों के समर्थन में उन्होंने बता दिया तो हम लोगों को इस बात पर एकदम बिल्कुल जिसको कहिए कि इसके प्रति हम लोगों का एकदम जिसको कहिए कि डेडिकेशन है, हम लोग बिल्कुल इस बात को लेकर के वचनबद्ध ही नहीं हैं, हम उस पर अनुपालन करना चाहते हैं, उसको क्रियान्वित करना चाहते हैं। उसके लिए बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। ऐसी परिस्थिति में जबकि आप जान रहे हैं कि आर्थिक स्थिति पर पूरी दुनिया में पूरे देश में सब पर असर पड़ा है तो हम लोग उसके अलावा भी सब काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और करना चाहते हैं। सबका सहयोग मिलेगा, सब लोग मिल करके बिहार को आगे बढ़ाने में सक्षम है। सीजन की बात भी कही गई है आने वाले 5 सालों में 20 लाख जो आजकल तो लोग बोलते रहते हैं 19 लाख 19 लाख लोगों का 7 निश्चय 2 जो आत्मनिर्भर बिहार के लिए देखा उसमें लिखा हुआ है सरकारी और गैर सरकारी
हर प्रकार से लोगों को प्रेरित करेंगे और 20 लाख से भी ज़्यादा लोगों के लिए रोजगार का अवसर मिले, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। वो तो बात हो सकती है, तीनों ना बनेगा साहब, आपको मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगा।